रांची पहुंचते ही लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री जगन्नाथ महतो को चेताया है कि भोजपुरी समाज किसी भी लोगों से डरता नहीं है। झारखंड में जिस प्रकार से भोजपुरी भाषा तथा मगही भाषा को लेकर विरोध चल रहा है और हेमंत सोरेन सरकार के कई मंत्री खुलकर वहां पर लोगों को भड़का रहे हैं, उसी संबंध में लालू प्रसाद यादव ने हेमंत सोरेन के एक मंत्री को हड़काया भी और लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत भी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि झारखंड सरकार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल साझेदार है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एकमात्र विधायक मंत्री पद का सवाल भी चख रहे हैं। पिछले कुछ समय से अगर झारखंड में भोजपुरी तथा मगही भाषा की बात करें तो उसको लेकर एक नकारात्मक माहौल बनाया गया है और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से की गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कहा था कि भोजपुरी तथा मगही भाषा बोलने वाले लोग झारखंड के लोगों को गाली देते थे और उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। उन्होंने महिलाओं को लेकर कहा कि भोजपुरी बोलने वालों ने हमारी महिलाओं के साथ शर्मनाक घटना को भी अंजाम दिया है। फिलहाल भोजपुरी और मगही भाषा के जो यह विवाद है उसमें अब लालू प्रसाद यादव भी कूद पड़े हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। झारखंड में भोजपुरी और मगही भाषा के विरोध की राजनीति तेज है और दिनों दिन यह और अधिक तेज होती जा रही है। हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री जगन्नाथ महतो लगातार पूरे राज्य में घूम घूम कर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। लगातार राज्य में विरोध प्रदर्शन चल रहा है और भोजपुरी भाषा के समर्थन में अगर कोई बोल रहा है तो उसके ऊपर अब हमला भी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर इस बात के लिए हमला किया गया कि भोजपुरी तथा मगही भाषा बोलने वालों के लिए वे झारखंड में आवाज उठा रहे थे और उनके समर्थन में खड़े थे। हाथों में बैनर लेकर सड़क के किनारे महिलाएं भी अब इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रही हैं और भोजपुरी तथा मगही भाषा को झारखंड से हटाए जाने की मांग की जा रही है। यह मांग भले ही पहले से भी की जा रही हो, लेकिन समाज में मौजूदा वक्त के अंदर इस लड़ाई को और अधिक तेज करवाने में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भूमिका खुद बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेमंत सोरेन पूर्व में खुद भोजपुरी तथा मगही भाषा को लेकर ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे कि समाज के अंदर भाषा को लेकर एक खाई निश्चित रूप से बनेगी ही बनेगी। इसी सिलसिले में अब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जैसे ही रांची पहुंचे तो उसके बाद उनसे जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि भोजपुरी समाज किसी से डरता नहीं है और हम इस मुद्दे को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री से भी बातचीत करेंगे। अगर हम झारखंड की बात करें तो वहां पर पिछले कुछ समय से लगातार भोजपुरी तथा मगही बोलने वालों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और अब लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि भोजपुरी तथा मगही का जो विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति नाम का एक संगठन लगातार इसको लेकर मुखर हो रहा है और इस प्रकार के अनेकों संगठन जो जनजातियों के नाम पर बने हुए हैं वे लगातार भोजपुरी और मगही को लेकर राज्य में जो विरोध प्रदर्शन है वे तेज करते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस विरोध प्रदर्शन में राज्य सरकार का समर्थन भी उन्हें बकायदा प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर सिर्फ इसलिए हमला किया जाता है क्योंकि वह लगातार भोजपुरी तथा मगही बोलने वालों के समर्थन में बोल रहे थे। झारखंड के लोगों का मानना है, मतलब कि झारखंड में जो आंदोलित हैं उनका मानना है कि भोजपुरी तथा मगही भाषा हमारी अपनी भाषा नहीं है तो हम अपने राज्य में इसे संवैधानिक दर्जा क्यों मिलने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से इस बात का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि झारखंड में भोजपुरी और मगही को बोलने वालों लोगों की एक बड़ी संख्या है और भोजपुरी तथा मगही भी एक भाषा है और भोजपुरी तथा मगही भी झारखंड की ही भाषा है, तो इस पर रोक लगाया जाना जायज नहीं है। फिलहाल भोजपुरी और मगही के विरोध को लेकर के राज्य में लगातार प्रदर्शन तेज हो रहा है। अब लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो हैं वे रांची पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और हमारी नजर बिल्कुल बनी रहेगी कि भोजपुरी और मगही को लेकर झारखंड में जो कुछ हो रहा है इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है उसमें साझेदार भी है। लालू प्रसाद यादव अगर कुछ उनसे बातचीत करेंगे, कोई खबर आएगी तो उसे हम आप तक बिल्कुल पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि राज्य में भोजपुरी और मगही बोलने वालों के खिलाफ हिंसा और अधिक तेज हो रही है। बाकी अगर कुछ नई जानकारी आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करते जाइएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।